मेरे कोर्स की ड्यूरेशन प्री की है 6 महीने। ओनली आपने प्री के लिए ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने यही ज्वाइन क्यों किया? मैंने अपने सीनियर से बात की थी तो उन्होंने मुझे केडी कैंपस सजेस्ट किया, मैंने इंक्वायरी दी, डेमो दिया, मुझे पसंद आया। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है 6 महीने का? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जयपुर का अब तक का। यहाँ मैंने काफ़ी कोचिंग देखी थी, फिर मैंने आपके रिव्यूज़ भी देखे थे, तो फिर मैं मुझे उसमें से केडी कैंपस बेस्ट लगी। फिर मैंने एक बार डेमो लिया 2-3 दिन का, फिर मैंने एडमिशन ले लिया इसमें क्योंकि यहाँ की फैकल्टी अच्छी है। जैसे जिसके अंदर अभी 2024 में एग्जाम्स होंगे उसके जो है फिर ये दो बैचेस चलाएंगे हम, एक सिलेक्शन बैच और एक फाउंडेशन बैच। ठीक है, हमें पहले आपको बताता हूँ सिलेक्शन बैच और फाउंडेशन बैच का क्या डिफरेंसेस है। तो आज फिर एक बार हम आ गए हैं केडी कैंपस में, जयपुर वाली ब्रांच पे। आज फिर आपको यहाँ का टूर कराएंगे और यहाँ की डिटेल्स शेयर करेंगे। अगर आप SSC, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप केडी कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो भी बैचेस चलाए जाएंगे 2024 में, यहाँ पर स्पेशल बैचेस चलाए जा रहे हैं, सिलेक्शन बैच वर्सेज एक फाउंडेशन बैच, तो आपको उनके बारे में बताया जाएगा, उनकी फीस के बारे में बताया जाएगा और साथ ही टूर करेंगे। और आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोच केडी कैंपस के बारे में, जयपुर वाली ब्रांच के बारे में, वो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। So, अभी आपको कराते हैं केडी कैंपस जयपुर वाली ब्रांच के फैकल्टी का इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं यूवी सर से। ये है यूवी सर और रीजनिंग के टीचर हैं, तो एक बार सर भी थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे। हाँ सर, मेरा नाम है सर युवराज यूवी शर्मा, काफ़ी पुराने टाइम से हमारा एक्सपीरियंस है और इस वाली ब्रांच पे मैं पिछले 3-3.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और बहुत पुराने टाइम से मैं केडी कैंपस में हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी दोनों तरीके से क्लासेस होती हैं। SSC, बैंक और दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग में एकदम आपको फ्री ऑफ माइंड से आना है और 100% इसको गारंटी मैं देता हूँ। सो अभी हमारे साथ है शैलेंद्र सर, ये है साइंस की फैकल्टी। हेलो सर। हेलो, बताइए सर, मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे और एक्चुअली मैं यहाँ पर जयपुर के अंदर अगर मैं बात करूँ, हम लोग का ब्रांचेज है यहाँ पर और मैन हम लोग का हेड ऑफिस है मुखर्जी नगर, तो मैं एक्चुअली दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ भी अपनी सेवाएं देने आता हूँ बच्चों को, जैसे प्रेम मिलता है उस तरह से। और जैसा कि आपने बता दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस डील करता हूँ। सो अभी हमारे साथ है मैथ के टीचर्स मिस्टर संदीप सर, सो इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सर प्लीज। हेलो दोस्तों, मैं संदीप तोमर, मैं केडी कैंपस जयपुर में फिलहाल पढ़ा रहा हूँ और मैं पिछले 6 साल से SSC के फील्ड में हूँ। मैंने खुद भी सिलेक्शन लिया है, SSC CGL में लिया है, मैंने SSC CPO में लिया है, FCI में भी सिलेक्शन लिया है दोस्तों। तो सर आप केडी कैंपस में कितने साल से? केडी कैंपस में मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, बीच में मैंने केडी कैंपस थोड़ा सा क्विट कर दिया था, कुछ अपने रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था जिस वजह से मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं वापस केडी कैंपस में हूँ। माय नेम इज रक्षित शर्मा और मैं अभी GK और GS केडी कैंपस में पढ़ा रहा हूँ और मुझे टीचिंग का लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मैं अभी शुरुआत करी है। लेकिन हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं कि उन्हें GK को रटना ना पड़े। So, अब आपको बताते हैं कोर्सेज के बारे में जो कि केडी कैंपस में 2024 में कराए जाएंगे, उनकी डिटेल्स, फीस वगैरह और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फैसिलिटीज वगैरह, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे साथ सर हैं, सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, अब मैं आपको SSC में जो भी कोर्सेज है आपके उसके बारे में सारा बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज SSC में आते हैं आपके। जैसे जिसके अंदर अपनी 2024 में एग्जाम्स होंगे उसके जो है फिर ये दो बैचेस चलाएंगे हम, एक सिलेक्शन बैच और एक फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूँ सिलेक्शन बैच और फाउंडेशन बैच में क्या क्या डिफरेंसेस है। एक फाउंडेशन बैच है, ठीक है, जो कि आपके लिए 6-7 मंथ के लिए रहेगा। इसकी जो फीस है वो रहेगी आपकी 25,000। ठीक है, इसमें क्लासेस है वो रहेंगी आपकी मंडे से सैटरडे तक, इसका टाइम रहेगा आपका 3 घंटे। अभी शुरू में बेसिक चलता है तो उसके लिए 3 घंटे हैं, एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाने के बाद क्लासेस आपकी रहेंगी 4 घंटे की। उसके अलावा हर संडे को रहेगा आपका टेस्ट, टेस्ट है वो तो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेंगे। ठीक है, ऑफलाइन है जो अपने सेंटर पे होता है, उसके अलावा ऑनलाइन जो है टेस्ट है वो आपका KD लाइव ऐप है, उसके थ्रू आप कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बैचेस का जो टाइमिंग है वो आपके फोरकमिंग बैचेस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कितनी तारीख को आपका बैचेस होगा। ठीक है, जिसकी फीस है वो आपकी रहेगी 28,000 फाउंडेशन बैच की, जिसके अंदर आपका कंप्लीट ये बुक्स होंगी, बैग होंगी, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट वगैरह क्लास में जो पढ़ाए वो सारा कुछ आपका इसी में आएगा। इसके साथ में आपको लाइब्रेरी है, सुबह मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक आपकी लाइब्रेरी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ये आपकी सेम इसी फीस में रहेगा। इसके साथ में
जैसे आपको क्लास में डाउट हो, क्लास में पूछो, एक्स्ट्रा कोई डाउट रहता है तो उसके लिए टाइम रहता है 12 से 6 में। आप टीचर से अलग से भी आप पूछ सकते हो कि भाई कुछ डाउट हो तो, जैसे उन टीचर से उसके साथ में आपको 500 डेज के लिए ऑनलाइन फ्री रिकॉर्डेड बैच मिलता है जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है जिसको कि आपको कूपन के थ्रू एक लॉगिन करना होता है। जिस दिन आप उसको लॉगिन करोगे उसी दिन आपका उसके अंदर फर्स्ट डे होगा, उससे 500 डेज उसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। फिर जैसे आपका एडमिशन रहेगा 4 से 5 महीने, आप उसके अंदर दोबारा कभी डाउट के कुछ पूछना हो तो आप दोबारा डाउट पूछने भी आप आ सकते हो, ठीक है। ये तो रहता है आपका फाउंडेशन बैच के अंदर। अब मैं बताऊँगा आपको सिलेक्शन बैच के बारे में। सिलेक्शन बैच जो है उसके अंदर आपका GD MTS से लेकर पूरा CGL तक आपका कवर रहेगा। उसके साथ में आपको जो रेलवे का जो एग्जाम्स होते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट वाले, वो भी आपके अंदर क्लियर रहेंगे। उसके अलावा जो बैंकिंग का जो प्री का पार्ट पेपर होता है ना, उससे आप आराम से दे पाओगे। उसके अलावा जो और भी बैचेस जिन और भी जैसे स्टेट में एग्जाम्स हैं जिनमें मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह आती है, तो आप इजीली इसमें कवर कर पाओगे, ठीक है। इसमें वो उसकी भी सेम क्लासेस रहेंगी आपके मंडे से सैटरडे तक। टाइम रहेगा आपका 3 से 4 घंटे का। उसमें भी टेस्ट रहेंगे, जो आपके संडे टेस्ट रहेंगे वो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन रहेंगे दोनों, हर संडे को होंगे अपने, ठीक है। वो भी संडे को जो टेस्ट रहेगा वो भी आपका अप्रॉक्स 11 से 12 बजे के आसपास होगा। और उसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन आपको जैसे टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद में या तो उसी दिन करवाया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे तक आपको क्लासेस में टीचर के द्वारा करवा जाएगा जो भी है आपका, ठीक है। उसके जो बैचेस की टाइमिंग रहेगी वो भी आपकी रहेगी, उसके फोर्थ कमिंग बैचेस के अकॉर्डिंग आपके पास टाइमिंग रहेगा। तो उसके अलग फाउंडेशन बैच अलग चलेगा अपना, फिर सिलेक्शन बैच अलग चलेगा, ठीक है। उसकी फीस रहेगी आपकी 35,000, जिसको कि आप अगर दो बार में देना चाहते हो तो 50% है वो आपका रहेगा एडमिशन के टाइम, और 50% है वो रहेगा एडमिशन के 15 से 20 दिन के अंदर। अगर यही फीस वन टाइम पेमेंट करते हो तो फीस आपकी 34,000 रहेगी, ठीक है। जिसमें कि आपकी बुक्स, बैग और क्लास में जो कोई टॉपिक रहेंगे उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस शीट वगैरह कुछ भी है, सब आपका इसी फीस में रहेगा, ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरी है सुबह 7 से शाम को 7 तक। क्लास में कोई डाउट है क्लास में पूछो, एक्स्ट्रा कोई डाउट रहता है टाइम रहता है 12 से 6 में आप अलग से भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर इसके साथ में भी आपको 500 डेज के लिए फ्री ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच मिलता है जो कि कूपन के थ्रू मिलता है, जिसको भी आपको फोन में लॉगिन करना होता है। जिस दिन आपने फर्स्ट डे उसको लॉगिन कर लिया उसी दिन से आपका फर्स्ट डे अप टू 500 डेज की वैलिडिटी रहेगी। फिर जैसे आपका एडमिशन रहेगा 12 मंथ के लिए है, जिसमें आपका 9 मंथ आपका कोर्स चलेगा और 3 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा आपके रिविजन के लिए रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर जैसे आपका अगर एक बार 12 मंथ के बाद में आपका एडमिशन खत्म हो गया पर दोबारा कभी आगे मैथ्स और इंग्लिश में भी दिक्कत आए तो दोबारा सेम फीस में आप दोबारा भी आ सकते हो। ये आपके लिए टेल सिलेक्शन होने तक फ्री रहेंगे। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं इनकी शाम को, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसमें आ सकते हो। उसके अलावा जो संडे के टेस्ट है ये भी आपके लिए टेल सिलेक्शन फ्री रहेंगे। जो ऑनलाइन के टेस्ट है वो तब तक वैलिड रहेंगे जब तक आपका रिकॉर्डेड बैच रहेगा, उसके साथ तक ही आपका ऑनलाइन टेस्ट वैलिड रहेंगे। एंड सर, अगर किसी को ओनली मैथ्स की क्लास लेनी है या फिर ओनली GK की लेनी है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसकी फीस वगैरह क्या है? देखो, अगर आपको कोई स्पेशल अलग से मैथ्स वो सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे फिर मैथ है, इंग्लिश है, कुछ भी है, उसके लिए जैसे आपको मैथ्स का जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 10,000, जो कि रहेगी आपकी 6 to 7 मंथ के लिए, ठीक है। जिसमें आपका अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कवर होगा, ये आपका अलग से लेनी होगा। अगर जिसमें आपकी 10,000 है, जिसमें 50% रहेगा आपका एडमिशन के टाइम और 50% आपके एडमिशन से 15 से 20 दिन के अंदर, वन टाइम पेमेंट करते हो तो फीस आपकी रहेगी 8,000, ठीक है। या आपके मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए सेम रहेगी। उसके अलावा GK GS का जो पार्ट है ये भी उसके उसकी फीस रहेगी आपकी 9,000, जिसमें 50% आपके एडमिशन के टाइम और 50% एडमिशन के 15 से 20 दिन, वन टाइम पेमेंट करते हो तो फीस आपकी 7,000, ये रहेगा आपके अलग से स्पेशल बैचेस चलाने के लिए। सो अभी लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू जो कि KD कैंपस में पढ़ते हैं, उनके उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। वो कोचिंग पढ़ रहे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, और भी ट्यूशन होंगे। सो आइए, आपका नाम? मेरा नाम अर्षद शर्मा। आप कहाँ से? मैं भरतपुर से। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं SSC CGL का कोर्स कर रहे हैं। तो आपको क्या भरतपुर में कोचिंग नहीं है? कोचिंग है, लेकिन जो एक होता है ना KD कैंपस नाम से ही होता है अपना, वो है यहाँ पे पढ़ाई है, एक एनवायरमेंट है अपना पूरा पढ़ाई। KD कैंपस तो दिल्ली में भी है, तो आप जैसे भरतपुर से हैं तो आप जैसे जयपुर आए तो आप दिल्ली भी जा सकते थे? मैं जा सकता था, लेकिन पहले से ही मैं जयपुर में हूँ तो मेरे को ये बेस्ट लगा, फिर यहाँ पे आके मिला मैं टीचर्स वगैरह से, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। तो यानी कि KD कैंपस जयपुर वाली ब्रांच में आप सेटिस्फाइड है? हाँ। ओके, तो अपन किसी भी कोचिंग में जाते हैं ना तो एक एक्सपेक्टेशन से जाते हैं, कि जैसे आप भी यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी तभी आए हो। यस। तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी सही निकली या फिर ऐसे हुआ कि बाद में कुछ हमारे साथ नहीं ऐसा नहीं? हाँ, जब एडमिशन लिया था कोचिंग से पहले, तो उस पर यूट्यूब पे सर्च किया था कि SSC की बेस्ट कोचिंग कौन सी होती है, या टॉप 5 में या टॉप 10 में जो होती है। तो सबसे पहले जो गूगल पे जो रिव्यू मिला था मुझे KD कैंपस का मिला था,
तो उसमें दिल्ली की और जयपुर की दोनों ब्रांच के बारे में मिला था, तो मैं दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो जयपुर में आया। मेरा नाम प्रिया चौधरी है, हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो आपको जयपुर में कितना टाइम हो गया? मेरे को पहले, इससे पहले मैं रह रही हूँ जयपुर में, पर अभी मैं कोचिंग 6 महीने से कर रही हूँ। 6 महीने से कर रही हूँ। आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? मेरी कोर्स की ड्यूरेशन प्री की है 6 महीने। ओनली आपने प्री के लिए ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने यही ज्वाइन क्यों किया? मैंने अपने सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे केडी कैंपस सजेस्ट किया, मैंने इंक्वायरी दी, डेमो लिया, मुझे पसंद आया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, और यहाँ की जो टीचर फैकल्टी है आपको वो कैसी लगी? जैसे यूवी सर हो गए, शैलेंद्र सर हो गए, सारे फैकल्टीज अच्छी है, मतलब बच्चों से अटैचमेंट रखते हैं, पर्सनली ध्यान देते हैं बच्चों पे। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है 6 महीने का? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जयपुर का अब तक का यहाँ। मेरा नाम रितिका शेखावत है और मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से? ओके, सो आप भी ये बताइए पहले कि केडी कैंपस में आना कैसे हुआ? यहाँ पर इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है एसएससी के लिए। मैंने काफी कोचिंग देखी थी, फिर मैंने आपके रिव्यूज भी देखे थे, तो फिर मैं, मुझे उसमें से केडी कैंपस बेस्ट लगी, फिर मैंने एक बार डेमो लिया 2-3 दिन का, फिर मैंने एडमिशन ले लिया इसमें क्योंकि यहाँ की फैकल्टी अच्छी है। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो गए। कितने महीने का कोर्स और बचा आपका? 1 मंथ का है। ओके, और इतने टाइम में आपने एक चीज कुछ नोटिस किया कि कोचिंग में जैसे बैच मर्ज वगैरह थोड़ी होते हैं? नहीं नहीं, बैच मर्ज नहीं होते, हमारी कंटिन्यू क्लासेस लगती है, आवर्स भी सही है, 3 आवर्स क्लासेस रेगुलर लगती है। ओके, और यहाँ पे जो टेस्ट, जैसा कि सर मेरे को बता रहे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होती है संडे टू संडे, तो वो होती है? हाँ होती है, रेगुलर हो रही है। और उसका रिजल्ट वगैरह? हैंड टू हैंड, मतलब उसी दिन हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी हम है केडी कैंपस के ब्रांच मैनेजर सर के साथ। सर अभी आपको कोचिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब बताएंगे, और ये कोचिंग अदर इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है ये भी आपको बताएंगे, और अपने सिलेक्शंस के बारे में बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सर के इंट्रोडक्शन के साथ, प्लीज सर। मोहित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आप केडी कैंपस जयपुर को बाकी कोचिंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, कैसे मतलब आप इसमें क्या आपके पास स्पेशल है जो आप बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, तो मैं बताना चाहूंगा। देखो, अभी रिसेंटली हमने एक प्रॉब्लम को फील किया है स्टूडेंट्स के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करने आते हैं, कुछ नॉन मेडिकल वाले हैं तो कुछ आर्ट्स वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं। हमने माना कि कॉमर्स वालों का या इंजीनियर्स का मैथ्स अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक मैथ वीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैदिक मैथ और बेसिक मैथ की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट को कैलकुलेशंस फास्ट करवाते हैं, ठीक है जी, क्यूब्स स्केयर्स उनको लर्न करवाते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प कर। सभी कोचिंग वाले अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते होंगे, उनके पास टीचर्स भी अच्छे होंगे। हमारे टीचर्स जो स्पेसिफाई करते हैं अलग से स्टूडेंट्स को, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कैसे, ये इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए थ्योरेटिकल हमने पढ़ा दिया बच्चों को, हम थ्योरी पढ़ा देते हैं। आजकल मैक्सिमम बच्चों का जो सेंस रहता है कि हमें एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो ग्रेजुएट किया जिस स्टूडेंट ने, वो 15 साल उसने स्कूल में सिलेबस ही कवर किया। हम उसको यहाँ पे टीचर्स हमारे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, 5 to 10 मिनट के क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में करवा देते हैं। टिप्स पर मैक्सिमम क्वेश्चन टीचर यहाँ पे ट्राई करता है कि उनको टिप्स पर वो सॉल्यूशन निकाल लें, उनको पेन भी उठाने की जरूरत ना, ठीक है जी। और हम एग्जाम में स्टूडेंट को क्वेश्चन फेस करने हैं, एग्जाम में स्टूडेंट के पास क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग तरह से, अलग अलग स्टेटमेंट होंगी, घुमा घुमा के एसएससी क्वेश्चन देता है आजकल, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमारे टीचर्स हर टॉपिक करवाने के बाद क्वेश्चंस करवाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और हम बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की सीट भी प्रोवाइड कराते हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों टाइप से। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम बच्चों को क्वेश्चंस करवा दें एग्जाम ओरिएंटेड। 50% क्वेश्चंस अभी रिसेंटली कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट, ऑलमोस्ट अगर हम जयपुर ब्रांच की बात करें तो 70+ स्टूडेंट अभी एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं। आप एक दो का नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवा सकता हूँ मैं उनसे, अभी थोड़ा वो बिजी हैं। जैसे हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है जिसका नाम है लखन मीना, एसएससी में। हाँ जी, एसएससी में वो जीएसटी इंस्पेक्टर, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे हम स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स स्टूडेंट को बताए जाते हैं। वो ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जो केडी कैंपस जयपुर का यूट्यूब चैनल है, और हमने एक इंस्टा भी अभी स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा केडी कैंपस जयपुर, वहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स की हम डेली शॉर्ट बना करके डाल रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो रिव्यू रहता है
उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। भाई स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट है, स्टूडेंट किसी टीचर से सेटिस्फाई नहीं है, कोई टीचर स्पीडली पढ़ा रहा है, कोई स्लो पढ़ा रहा है, हम स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, स्टूडेंट की बातें यहाँ पे ज्यादा सुनी जाती हैं। रिसेंटली हमने ऑफिस के बाहर एक सजेशन बॉक्स भी लगाया। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट डरता है कि मैं मैनेजमेंट को बता दूं तो मैनेजमेंट डायरेक्ट टीचर को बता देगा तो टीचर मुझे डांटे ना या मुझे टारगेट ना करे क्लास में। तो इस हेजिटेशन के कारण स्टूडेंट जो है ना अपना रिव्यू या अपनी कंप्लेंट हमें कर नहीं पाता। तो हमने रिसेंटली एक सजेशन बॉक्स लगाया मेरे ऑफिस के बाहर, आप देखेंगे, स्टूडेंट को बोला है कि आपको नाम नहीं लिखना है, एक स्लिप आप लेंगे, उसके ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको लिखो और आप डाल जाओ, हम उसके ऊपर 101% वर्क करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से हम स्टूडेंट की बातें सुनते रहते हैं। इसके अलावा हम बैंकिंग की भी तैयारी करवाते हैं, बैंक पीओ के हमारे पास स्पेसिफिक बैच चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग में क्या करते हैं, एसएससी बैंकिंग सभी को एक साथ कंबाइंड बिठा देते हैं, हमारे यहाँ पे एसएससी के बैचेस अलग चलते हैं और बैंकिंग के बैचेस अलग चलते हैं। रिसेंटली एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है 2 से 3 महीने में, ठीक है जी। तो हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है एसएससी जीडी का, और जिसकी फीस काफी नॉमिनल से रखी है, बहुत कम फीस बच्चों के लिए, 7,999। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें केडी कैंपस की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो और अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्यूरी हो केडी कैंपस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी इंक्वायरी जो मैं आपकी सॉल्व कर सकूं, आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।